हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे के लिए लोशन या मॉइस्चराइज़र लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट रहेगा उनके बच्चे की सॉफ्ट स्किन के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसमें दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मामा अर्थ बेबी लोशन। बटर और एलोवेरा के कॉम्बिनेशन में बना ये लोशन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें ये सूट कर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस लोशन से स्किन पे रेडनेस, इचीनेस और रैशेस की शिकायत होती है, यानी कि ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए ये लोशन कामयाब नहीं है। हाँ, बेबीज़ के बजाय अगर आप खुद पे यानी बड़े इसे यूज़ करें तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ना हो। इसकी स्मेल भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं होती है और 200 ml की बॉटल का प्राइस 178 rupees है, जो कि काफ़ी सही है। नंबर 9 पर है goodness.me बेबी लोशन। बच्चों की ड्राई स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा लोशन है, पर नंबर 9 पर रखने की वजह इसका गेनी टेक्सचर है, जो बच्चों की स्किन के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी नाजुक होती है और उस पर हर चीज़ स्मूथ होनी चाहिए, पर यह लोशन कुछ दरदरा होता है, इसलिए ये लोशन बच्चों की स्किन के लिए सही नहीं लगता। साथ ही इसकी स्मेल भी काफ़ी तेज और अनप्लीजेंट है। तो ये है goodness.me का बेबी लोशन। नंबर 8 पर है सिबामेट बेबी लोशन, जिसकी 200 ml की बॉटल लगभग 400 रुपए की आती है, जो कि एक एवरेज प्राइस है। क्वालिटी की बात करें तो ये लोशन डेली यूज़ में एक अच्छा प्रोडक्ट है, साथ ही बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम में भी मदद करता है। एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन पर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, उसमें भी ये लोशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ओवरऑल ये लोशन एक अच्छा प्रोडक्ट है। नंबर 7 पर है अवीनो का बेबी लोशन, जो कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए, स्पेशली अगर आप एक फ्रेश प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइफ मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 1 साल तक की ही होती है। इसके बाद यूज़ करने पर इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे स्किन पर एलर्जी होना, डार्क स्किन, स्मेल ज़्यादा आना। प्राइस की अगर आप बात करें तो 227 ग्राम के पैक का प्राइस 733 रुपये है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। नंबर 6 पर है सीटाफिल बेबी लोशन, जिसकी अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना ही मुश्किल है, डुप्लीकेट का मार्केट ज़्यादा है। 400 ml की बॉटल लगभग 700 रुपए की मिलती है, जो कि पंप पैक में होता है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी तेज होती है, जो कि बड़ों को तो अच्छी लग सकती है पर लगता नहीं कि बच्चों को स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती होगी, क्योंकि बच्चे तेज़ स्मेल को पसंद नहीं करते हैं। ओवरऑल ये एक अच्छा लोशन है बच्चों की स्किन के लिए। जॉनसन्स बेबी लोशन, ये नंबर 5 पर है। दूध की तरह पतला और स्मूथ दिखने वाला ये लोशन बच्चों की ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लगभग 140 रुपए का 200 ml में ये मार्केट में और ऑनलाइन मिलता है, जो पंप पैक में होता है। वो बात अलग है कि इसका पंप ज़्यादातर समय खराब ही होता है। स्मेल इसकी काफ़ी सूदिंग होती है और फ्लावर्स की तरह होती है। ये स्किन की ड्राइनेस के लिए काफ़ी अच्छा लोशन है, पर अगर बच्चे की स्किन पहले से ज़्यादा ड्राई दिखने लगे तो इसका उपयोग करना बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 4 पर है जॉनसन्स बेबी क्रीम। न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्किन पर लगाने के लिए ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, जो काफ़ी स्मूथ और इफ़ेक्टिव होता है और बच्चे के फेस पर भी लगाने में इसके कोई डर नहीं है। प्राइस और क्वांटिटी ही इसका एकमात्र नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। नंबर 3 पर है मदर स्पर्श बेबी लोशन। इसमें कोकोनट ऑयल, एवोकाडो और बटर होता है, जो काफ़ी स्मूथ टेक्सचर देता है। स्मेल भी इसकी काफ़ी डिसेंट होती है। 265 रुपए की 200 ml की बॉटल मिलती है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की स्किन के लिए। सोफीड्यू बेबी लोशन नंबर 2 पर है। हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड ये नहीं है, पर इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। टेक्सचर, स्मेल और क्वालिटी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है।
प्राइस अगर देखें तो 100 ml की बॉटल 250 रुपए में मिलती है। एक्जिमा और रोजीशा की परेशानी में भी ये लोशन काफी हेल्पफुल होता है और साथ ही एक्सट्रीम ड्राई स्किन होने पर भी डॉक्टर द्वारा यही सजेस्ट किया जाता है। तो ओवरऑल ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है। नंबर वन पर है हिमालय बेबी लोशन, जिसकी 200 ml की बॉटल लगभग 140 रुपए की मिलती है और बच्चे की स्किन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा लोशन है। बस एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भी अवेलेबल हैं जिसके उपयोग से बच्चे की स्किन ख़राब होने का डर होता है। तो ओरिजिनल या डैमेज या एक्सपायरी डेट देख कर ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूज़फुल जानकारी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।